नहीं, अकेली का अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब बंदोबस्त कर दिया। उनमें से एक बच्ची वापस आई कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, आपको बदला दें कि आपने हमारे लिए पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम से मिला दिया, उनके साथ 10 साल रहने का एग्रीमेंट हो गया। उन्होंने अपनी एक बेटी का निकाह भी कर दिया। यहां से मुफस्सरीन ने नुक्ता निकाला कि जिस नौजवान की शादी ना होती हो, न वसाइल हो, न रिश्तेदारों में कोई ऐसा रिश्ता नजर आता हो, कोई सूरत नजर नहीं आती, तो वो यही आयत पढ़े, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर। इखलास के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए अज़दवाजी जिंदगी का सबब बना दे। हजरत शैब अलैहिस्सलाम ने हालात पूछे, कहां से आए, क्या हुआ, बताया जी कि इस तरह का मसला था। उन्होंने फरमाया, नजौता मिनल कौम ज़ालिमीन, अब आप जालमों की कौम से निजात पाए। तो ये तबाई खौफ का आ जाना ये कोई बुरी बात नहीं होती, ये फितरत है इंसान। ताहम खौफ हमेशा आता है मादी चीजों से, हिस्सी चीजों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मुफ्ती सुफियान।